आपको भी जो है कि भगवान से गलत गलत विचार आते हैं, क्या आपको भी भगवान से रिलेटेड कोई डर लगता है, या कोई भगवान के मूर्ति के पास जाने से, या जो कोई अनचाहा ठाउट आता है जो आप नहीं चाहते हैं, कोई गलत ठाउट, कोई जो फैमिली से रिलेटेड कुछ बुरा ठाउट आता है, क्या क्या आपको जो कहीं जाने से, कोई करियर से रिलेटेड, या आपको गलत ठाउट आता है भगवान से रिलेटेड जो भगवान के पास जाने के बाद? तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी सी जो है कि आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं जो हूँ आप लोग से आज बात करने वाला हूँ रिलीजियस ओसीडी के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है कि ये पहले इस वर्ड को समझिए, जो तीन चीज है, जैसे कि भगवान वाले में जो है कि आपको भगवान के प्रति जो है कि विचार आ रहे होंगे, गलत विचार आ रहे होंगे, भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे होंगे। गलत विचार में हो सकता है आपको जो है कि आ रहा होगा कि हम भगवान के साथ जो है कि सेक्सुअल थॉट आ रहा होगा, फिर उसके बाद जो है कि गंदगी से रिलेटेड थॉट आ रहा होगा, या फैमिली, या जो है कि भगवान से रिलेटेड कुछ वहाँ पर गए कुछ विचार आ गया, जो है कि भगवान को प्रणाम करने वक्त ही कुछ विचार, गलत विचार आ गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है कि अब डर लगता है कि देखिए, दूसरा चीज़ आ गया। फर्स्ट चीज जो है कि आपको गलत विचार आ रहा था भगवान के प्रति, कुछ जो है अनचाहा ठाउट आ रहा था, फर्स्ट वाला ये। सेकंड क्या था? सेकंड आपको जो है कि भगवान उससे रिलेटेड अब आपको डर लगने लगा कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे, भगवान जो है कि मेरे साथ जो है कुछ अनहोनी कर देंगे, भगवान हमको कभी माफ नहीं करेंगे, भगवान हमको जो है कि सजा दे देंगे, ये ठाउट आपको आने लगा। ये क्या है? डर। देखिए, समझिए, ये आपको फर्स्ट हुआ था, अब डर आ गया। फिर तीसरा क्या चीज आता है? कंपल्सन का, जहां पर कि आप जो है कि इस जगह, आप तीसरा जगह, ये मान लीजिए तीसरा जगह, ठीक, तीसरा जगह आप क्या करते हैं, उसके लिए बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, बार बार जो है कि बार बार आप जो है कि कभी चढ़ावा चढ़ाने का ख्याल करते हैं, कभी फिर जो है कि कभी बार बार जा करके कहते हैं भगवान हमको माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, और जो है कि जिसके वजह से जो है आपको बार बार जो चीज़ ये करना पड़ता है, कंपल्सन जा जा करके आपको बार बार प्रणाम करने लगते हैं, या जो है कि मंदिर मंदिर से जो है बचने का प्रयास करने लगते हैं, जहाँ मंदिर जिस रोड में है उस रोड को छोड़ के जाने लगते हैं, या जो है कि मतलब उससे बचने लगते हैं मंदिर मंदिर सबसे। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, ये तीन चीज़ है, पहले विचार, फिर डर, फिर उसके बाद जो है कि माफ़ी मांगना, ये सब जो हुआ। इसमें जो है कि सबसे पहले सबसे क्या चीज़ को हम लोग को ठीक करना है, हम लोग को तो विचार आया, ठीक, विचार आया, विचार की वजह से डर उत्पन्न हुआ, डर के उत्पन्न होने की वजह से आप वो जो बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार जो है कि बार बार कंपल्सन कर रहे हैं, बार बार जो है कि बार बार जो है चढ़ावा चढ़ाने का ख्याल आ रहा है, चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, बार बार जो है कि आप जो है कि उससे डर रहे हैं, तो जो है कि बार बार जाके प्रणाम कर रहे हैं। तो ये समझिए, डर की वजह से आपके ठाउट आया, आपको डर हुआ, फिर जा कर के आप कंपल्सन की जगह पे जो बार बार प्रणाम किए, माफी मांगे, या जो मंदिर जाने से रिलेटेड से हटे। तो इस बात को समझिए कि हमको दूर क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ, दो तीसरा, तीसरा में जो है कि हमको बीच वाले डर को खत्म करना है। मान लीजिए भगवान के बारे में कुछ भी विचार आ रहे हैं लेकिन आपको डर ही ना हो, तो क्या जो है कि मतलब कंपल्सन होगा, बार बार माफी मांगेंगे, नहीं मानेंगे? देखिए दोस्तों, इस ये जो रिलीजियस ओसीडी है ना, इसमें जो है कि लोगों को बहुत सारा डर लगता है, ये हम मानते हैं, क्योंकि ये भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, भगवान जो है कि आपको ये जो है मतलब कहीं क्या है किसी को कुछ भी पता चल नहीं पाता, जिसके कारण से ओसीडी सफर और घबरा जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का ओसीडी रिलीजियस ओसीडी मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ बीमारी है, मतलब ये रिलीजियस ओसीडी है। तो इसको समझिए कि हमको डर दूर करना है, डर दूर करना है, ये विचार जो आ जाते हैं ये ओसीडी के विचार हैं, और ये जो हम लोग को डर दूर करेंगे तो सबसे क्या काम करना है, मेन चीज डर को दूर करना है। देखिए दोस्तों, एक बात जान लीजिए, आप मेरी बात गांठ के मान लीजिए, और हम भी जब जब इसको जो है कि अप्लाई किए तो बहुत चेंजेज आया है लोगों के लाइफ में भी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, भगवान कभी भी किसी दूसरे को सजा नहीं देते हैं। सबसे पहले पहली बात, मान लीजिए हम लोग को जो चीज़ फ्री में मिला है वो कौन दिया है? भगवान ही तो दिया। ये हवा जो भी बह रही है, हम लोग जो ये हवा को जो फील कर पा रहे हैं, और हम लोग जो हैं देख सकते हैं कि पृथ्वी जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये पानी पानी जो पीते हैं हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, तो क्या पानी हम लोग पीते हैं ना, क्या पानी हम लोग के साथ कभी भी बुरा कर सकती है? पानी पानी जबकि हम लोग को फ्री में मिली है, तो पानी हम लोग के साथ कभी बुरा कर सकती है?
जिसको हम लोग गॉड भी मान सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिली है उस पर हमारा जो है कि हम लोग को उसका महत्व नहीं देते हैं। मान लीजिए पानी कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकती है दोस्तों, इसलिए जो है कि गॉड जो है कि कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकती, चाह करके भी बुरा नहीं कर सकती है। वो आपके साथ जो है कि हर समय प्यार बना के रखती है। आप कुछ बोल भी देते हैं तो उसके सामने वो जो है ना गॉड जो है वो एक प्यार से ही जो है कि आपका मतलब वो कुछ विचार भी आता है। ये सब चीज़ मानिए कि ये गॉड जो है कभी आपके साथ आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते हैं वो। दोस्तों इस बात को गांठ मानिए, फिर उसके बाद जो है कि आप देख लीजिए पानी पड़ता है तो क्या जो है कि पानी जो पड़ता है जो है कौन पड़वाता है। एक तरह से मान लीजिए कि कोई यूनिवर्स पड़ता है या जो गॉड गॉड के द्वारा पड़ता है, तो वो क्या आपके घर में जो है कि पड़ता है बगल